नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और मेरे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग और फर्स्ट यूज़ करेंगे फिलिप्स का ये इन्वर्टर बल्ब है, इन्वर्टर लैंप है 9 वॉट्स का। तो ये एक दोस्तों रिचार्जेबल लैंप है और इसको लेने के पीछे का रीज़न यही है कि मेरे पास ये ऑलरेडी एक लैंटर्न है, तो मैंने सोचा कि एक लैंटर्न ले लूँ और एक मेरे घर के लिए। लेकिन बाद में मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता चला, ये खुद से ही रिचार्जेबल है जैसे कि ये है। लेकिन इसमें क्या दोस्तों, आपको अलग से चार्जिंग लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई चार्जिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करना है और वो ऑटोमेटिकली पीछे से चार्जिंग होता रहता है वो। और जब कभी भी लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाता है, बस आपको बटन चालू ही रखना है, बंद नहीं करना है लाइट जाने के बाद भी। दोस्तों, ये दोनों भी प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से लिए थे, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में हाईलाइट कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो इसको। और एक रीज़न दोस्तों इसको लेने के पीछे का है, क्योंकि ये जो लैंटर्न की प्राइस है वो करीब करीब 800 से 900 रुपए के बीच में है ये, क्योंकि बड़ा वाला लैंटर्न है, इसका एक छोटा वर्जन भी आता है, मैंने बड़ा वाला लिया है। तो मैंने सोचा कि इतने में मेरे 2 बल्ब आ जाएंगे। इसका ड्रॉबैक दोस्तों यही है कि आप इसको कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकता, इसको आपको घर में अगर यूज़ करना है तो ये सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपको बाहर खेत में यूज़ करना है या फिर बाहर लेके जाना है तो ये काफ़ी पोर्टेबल है और ये आपके लिए रिकमेंडेड होगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी है इसलिए मैं ये 2 ले रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, फिलिप्स कंपनी है, ब्रांडेड है, तो इसका क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, ये भी मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद में ये 9 वॉट का इसका पावर कंजम्पशन है, अप टू 4 आवर्स का बैकअप, मतलब लाइट चले जाने के बाद में अगर आपका बटन चालू होगा तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा और 4 घंटे तक ये चलेगा फुल चार्ज होने के बाद। इसका जो कलर टेम्परेचर है दोस्तों वो वाइट है, 6500 केल्विन, और इसका जो प्लग है वो बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा प्लग लगता है B22 इंडियन प्लग वो वाला है। इस तरफ दोस्तों फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है इसमें, 2200 mAh लिथियम आयन बैटरी और 4 आवर्स का ये बैकअप देगी। दोस्तों इसमें एक ओवरचार्ज और डिप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी है, अगर आपका चार्जिंग फुल हो गया होगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देगा चार्जिंग को, और अगर आपका चार्जिंग पूरा ख़त्म हो जा रहा है तो भी वो उसको आराम से कट ऑफ कर देगा, मतलब ये डिस्चार्ज होने से बचा लेगा आपकी बैटरी को, क्योंकि जैसे ही बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होगी और बहुत टाइम तक वैसी रहेगी तो बैटरी में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हमेशा जो लिथियम आयन बैटरी रहती है उसको हम लोगों को फर्स्ट इसमें चार्ज करना होता है। उसके बाद में इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हैं, चलिए देख लेते हैं। इसका नाम दिया है, क्वांटिटी कितनी है, इसका प्राइस दोस्तों 549 है, लेकिन मुझे ये 900 में 2 मिले तो काफ़ी अच्छा डील था वो। उसके बाद में इसकी वोल्टेज जो है वो 9 वॉट्स, ईयर मैन्युफैक्चर ये सब है। अभी यहाँ पर जो इसका आउटपुट लुमेंस है वो है 900 इन नॉर्मल मोड, ठीक है, और जब ये इन्वर्टर पे होगा, मतलब जब ये चार्जिंग पे होगा, जब ये आपकी लाइट चली जाएगी तो ये 50% से कम हो जाएगा, मतलब ये 450 लुमेंस आपको आउटपुट देगा। इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है एक छोटे से रूम के लिए, अगर जहाँ पर 9 वॉट का बल्ब अगर लगा होगा तो उतने के लिए काफ़ी है और 4 घंटा चलेगा, इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। चार्जिंग टाइम दोस्तों इसका 8 से 10 घंटा है और इसकी बैटरी की जो लाइफ है वो 500 रिचार्ज साइकिल्स तक ये चलेगा। तो चार्जिंग टाइम दोस्तों 8 से 10 घंटा आपको कुछ लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, रात को आओ वो ऑटोमेटिक चार्ज होते रहेगा 2-3 घंटा रोज का, लाइट चली गई तो खुद से चालू हो जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको स्विच चालू रखना है, बस लाइट गई तो भी आपको स्विच चालू रखना है, तब ये जाके चालू होगा। ये ऐसे क्यों होता है वो मैं आपको अंदर बताऊँगा। और दूसरे किसी चीज़ को, लैंप या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सेम स्विच में आपको कनेक्ट नहीं करना है बस। तो अभी ये नया नया ओपन हुआ है, इसको मैंने कुछ चार्जिंग नहीं किया है, तो एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ लेकिन दूसरा वाला है उसको मैंने चार्जिंग नहीं किया है। तो ये है वो प्रोडक्ट, और ये नॉर्मल जो हमारा बल्ब आता है उससे थोड़ा सा लंबा है, मतलब नॉर्मल वाला बल्ब रहता है वो इतना है, और लेकिन ये इतना एक्स्ट्रा है, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पर इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है। तो दोस्तों इसको मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ, अभी इसमें थोड़ी सी चार्जिंग है और ये बॉडी यहाँ पर काफ़ी हैवी हो गई है नॉर्मल LED से, क्योंकि इसमें बैटरी है और ये ऊपर क्वालिटी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और क्या होता है दोस्तों, जब आपकी लाइट चली जाती है और आपका बटन चालू रहता है, इसका मतलब ये कनेक्शन चालू रहता है, तो कनेक्शन जब चालू रहता है तभी ये देखिए, अभी मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, देखिए चालू हो गया, ये समझ में आया, यही बस सिंपल सा फंडा है इसके पीछे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग स्विच में लगा लेते हैं और लुमिन मीटर से इसके लक्स पहले नॉर्मली नापेंगे, उसके बाद में हम लोग घर का लाइट बंद कर देंगे और देखेंगे ये कैसे चलता है, ठीक है, चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग ने इस बल्ब को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है, जो मेरा मेन सोर्स है इसको मैं बंद कर देता हूँ और ये वाला चालू कर देता हूँ, और बाद में मैं आपको लक्स का रीडिंग बताता हूँ कितना है।
चलिए चालू कर। ओके दोस्तों, तो ये लाइट चालू हो गई है और ये पावर पे है अभी। तो इस डिस्टेंस पर अभी ये 102-101 लक्स बता रहा है ये, ठीक है। और बाकी की सारी लाइटें बंद है। अभी मैं जाके मेन स्विच जो हमारा है, मेन पावर, उसको बंद कर दूंगा। मतलब ये हाफ इंटेंसिटी पे चलेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग का जो मेन स्विच है वो बंद कर देंगे। हाँ बंद कर। देखिए दोस्तों अभी ये 50% पे चालू है और यहाँ पर जो रीडिंग है वो 43 लक्स है। मतलब ऑलमोस्ट ये 60% का आउटपुट कम हुआ है और 40% ये दे रहा है अभी, ठीक है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये था सब कुछ फिलिप्स के 9 वॉट इन्वर्टर लैंप के बारे में। तो अगर आपको घर के लिए ऑप्शन चाहिए तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन है वो बहुत ही बेटर है, क्योंकि इसमें अगर आपने एक बार सॉकेट में इसको लगा दिया तो उसमें वापस देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चार्ज होता रहेगा जब कभी भी आप इसको नॉर्मली यूज़ करोगे। दोस्तों लैंटर्न में यही प्रॉब्लम होता है कि आपको फिजिकली हमेशा जाके चार्ज करवाना पड़ता है और डिस्चार्ज करवाना पड़ता है, तो ये झंझट इसमें ख़त्म हो जाती है और ये नॉर्मल LED की तरह ही काम करेगा। इसके लिए ये घर के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, बाहर खेती में लेके जाना है या फिर कहीं पर कैंपिंग करना है, तो उस केस में ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। दोस्तों ये दोनों भी प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से लिए थे। इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में हाईलाइट कर दूंगा, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हो और वहाँ से खरीद भी सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आपको ऐसे ही इंस्टेंट अपडेट्स आपके फीड में मिल सके। और दोस्तों अगर आपको इसका वीडियो देखना होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा इस पर। थैंक यू और आप अपना ख्याल रखना।